सुप्रिय छात्र, आप देख रहे हैं YDP पब्लिक स्कूल चैनल को, जहां पर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। तो मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी। प्रिय छात्र, स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है वर्गीकरण पे। तो वर्गीकरण का जो हमारा पहला लेक्चर है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। पहला लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट। हमने आपसे कहा था कि हमने हमें फिर से शुरू करना है वर्गीकरण, मतलब रीजनिंग। हमने 7 चैप्टर तक हम लोगों ने बनवा दिया था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूट्यूब से यदि मेरे वीडियो से पढ़ रहे होंगे तो उसने तो कभी रीजनिंग को छुआ तक नहीं होगा। जो छात्र मेरे स्कूल के हैं सिर्फ वो ही इस चीज़ को बनाए होंगे, और अन्यथा कोई नहीं बनाए होंगे। तो जो मेरे स्कूल के अलावा जो छात्र यदि पढ़ते हैं तो जल्दी उन हमारे यूट्यूब जो वीडियो जो भेजेंगे उस पर आप कॉमेंट कीजिए कि हाँ मैं ये छात्र हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ता हूँ। तो आज हम वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो वर्गीकरण मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण में होता है, जैसे मान लीजिए हमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन मतलब दिए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में हमें क्या करना है? वन और वन आउट मीन्स हमें उनमें से कोई एक को छांट देना है। तो छांटना कैसे है, तो उसी चीज को समझेंगे। और हम लोग इसके जो अधिक से अधिक जितना भी क्वेश्चन हो सके, हमने तो लगभग लगभग 450 पे अगर क्वेश्चन करवाया था व्हाट्सएप के माध्यम से। यदि आप इतना क्वेश्चन यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, 6205871510। तो इसी पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा जो मेरे स्कूल के अलावा जो छात्र पढ़ रहे हैं यदि नहीं जुड़े हैं तो। मैं आपको वहां पर आप PDF के द्वारा मैं आपको भेजता रहूंगा वर्गीकरण का चैप्टर, मतलब और भी बहुत सारे चीज मैथमेटिक्स का ये वगैरह सब बहुत सारा क्वेश्चन मैं भेजूंगा यदि आप जुड़िए सही से पहले तब। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यदि तो देखिए, तो पहला जो हमारा है मेंटल एबिलिटी मीन्स मानसिक परीक्षण, ये हमारा कितने नंबर गणना शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो क्या कहता है? ए दिया गया है, एल दिया गया है, सी और जेड, ठीक ना? तो इसमें से किसी एक को तो हमें छांटना होगा। तो छांटेंगे कैसे, तो पहले देखिए ना, ए हमारा ठीक है, ए एल सी जेड सब कुछ मतलब पहले तो देखता है कि सब कुछ खुला हुआ, चलिए ठीक है खुला हुआ। फिर दूसरा देखेंगे कि कॉन्सनेंट है क्या या वोवेल दिया गया है, तो वो भी चीज इसमें नहीं है। जैसे एक वोवेल तो मतलब ए आई में वोवेल दिया गया है, लेकिन अदरवाइज सभी कॉन्सनेंट है, लेकिन इसको पूरा शाखा नहीं है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि सभी लाइन किस लाइन से मतलब एक सरल रेखा से बने हुए, मीन्स जैसे एक रेखा आती है ये रेखा, ये मतलब एक सरल रेखा से बने हुए कौन कौन, ए एल जेड, ये हमारे तीनों जो है सरल रेखा से बने हुए हैं। और सी हमारा क्या चीज से बना हुआ है? कर्व से। तो ये जो हमारा होगा इसका जो ऑप्शन होगा हमारा कितना होगा? 3। यहाँ पे छटा गया क्योंकि ये तीनों हमारा क्या था, सरल रेखा से बना हुआ था और ये हमारा कर्व लाइन से बना हुआ था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में भी वही बात है कि सभी क्या चीज पे बन रहे हैं, देखिए तो एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक सर्किल है और ये बॉक्स है मीन्स घन या क्यूब जो भी बोलिए इसको। तो ये हमारा जो 3 लाइन से बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एक क्लोज फिगर है। सब में हमारा यहाँ पे क्लोज फिगर है, जिसमें एक तो सब मैचिंग मैचिंग खा गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने पहला नंबर जो देखा था उसी के अनुसार से छाटेंगे। यहाँ पे सभी क्या है, एक सरल रेखा से बनी हुई है, ये भी सरल रेखा से बनी हुई है और ये भी हमारे सरल रेखा से बनी हुई है, लेकिन ये क्या है, कर्व है, गोल है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर भी 1 2 3 4 में यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो ए बी सी डी ये हमारा लगातार दिया गया है, तो इसमें अब छाट सकते हैं क्या, इससे जो मतलब सरल रेखा और कर्व लाइन से छाट सकते हैं? देखिए तो छटाएगा क्या, नहीं छटाएगा। तो जैसे यहाँ पे छाट सकते हैं, जैसे ये सब हमारा क्या है, एक कर्व रेखा से ही शायद बना हुआ है और ये हमारा क्या है, एक सरल रेखा से बना हुआ है। इस तरह से इसको भी छाटेंगे तो 1 2 3 4 ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है यदि कर्व रेखा से छाटे तो। लेकिन एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे सभी क्या है, बी सी डी ये हमारा एक क्या है, कॉन्सनेंट है मीन्स व्यंजन संधि है और ये हमारा क्या है, एक स्वर संधि है ए, इसलिए हमारा क्या है, दो मतलब दो तरीके से हमने इसे समझाया। तो
तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। 10 प्रश्न लेंगे आज हम, इस पे 10 प्रश्न को देखेंगे, 3 नंबर तो देखेंगे। तो छात्र हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन तक देख लिया था, अब देखना हमें चौथा नंबर क्वेश्चन। टोटल आज 10 क्वेश्चन करेंगे वर्गीकरण में। तो ये वर्गीकरण का जो हमारा लेक्चर रहेगा, टोटल 5 लेक्चर रहेगा, ठीक ना, पूरे बुक का मिला करके। तो जैसे मैं आज जो 5 क्वेश्चन बता रहा, मतलब 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, और 4 क्वेश्चन जो था, मतलब 4 क्वेश्चन करते हैं, जो चार जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो रहेगा जैसे आपको जो डाउट होगा, जो प्रश्न पे आपको डाउट होगा, वो हमें आप कमेंट करके, मतलब कमेंट करके पूछते, व्हाट्सएप पे जो बनवाते थे, यदि जो डाउट होगा आप हमें बोलिएगा, तो उसे हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं तो एक हंसमुख बच्चा हूँ, हंसी भर जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का, ठीक ना। तो 10, 20, 30 और 40 दिया गया, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, वर्गीकरण में छाटना है, छाटे हैं कैसे, जैसे 10 हमारा एक डिजिट, मतलब अंक दिया गया, ये भी मतलब गणित में लिखा हुआ है 10, 30 और 40, बट 20 किस में लिखा हुआ है, ये एक शब्दों में लिखा हुआ है, तो ये तो हम छाट सकते हैं यहाँ पे तुरंत। तो हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर इसका ऑप्शन होगा। फिर हम देखेंगे पांचवा नंबर। बहुत सारे बच्चे, मतलब जिसमें हम पढ़ा रहे थे वर्गीकरण, बहुत सारे बच्चे गलती करते थे, इसलिए हम वर्गीकरण को फिर से चालू किए हैं, और फिर से बोर्ड पे इसलिए बता रहे हैं कि आप, ताकि बहुत अच्छी तरह से समझें। ऐसे तो आप बना चुके हैं तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं फिर से, तो ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ा रहे हैं तो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया से बनाना है। फिर आपको कल देंगे भी क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो पेंसिल, ठीक है ना। तो पहला जो 5 मार्क का दिया है, पेंसिल दिया है, रबड़ दिया है, बुक दिया है, और चौथा हमारा क्या है, ग्लास दिया है, गया है। तो इसमें छाटना है, तो हम तो देखिए कि छाट, मतलब देख के ही छाट सकते हैं ना हम लोग। पेंसिल है जो हमारा पढ़ाई के काम में उपयोग होता है, रबड़ भी हमारे पढ़ाई के काम में उपयोग होता है, बुक भी हमारे पढ़ाई के काम में उपयोग होता है, लेकिन ग्लास, ग्लास क्या यूज होता है पढ़ाई के काम में, नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, 4। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए क्या दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में। 12 दिया गया, 9, 3 और 6 दिया गया ऑप्शन में। इसे छाटना है तो अब कहेंगे कि 3, 6, 9, 12 सभी क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या में 12 संख्या, तो शायद 6 हमारा सम संख्या है, लेकिन बाद बाकी सब 12 भी हमारा सम संख्या है, और ये दोनों विषम संख्या है, तो 2 मिल गया, यहाँ पे भी 2 मिल गया, इसमें भी 2 मिल गया, तो ये तो हम छाट सकते हैं नहीं, इससे विषम संख्या सम संख्या छाट सकते हैं क्या, नहीं छाट सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे 9 दिया गया है, 3 और 1, 6 दिया गया है। इस तीनों में क्या एक खासियत है कि तीनों एक ही डिजिट का नंबर है, क्या है, तीनों एक ही डिजिट का नंबर है, बट 12 इज 2 डिजिट नंबर, दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या होगा, ये आंसर हमारा क्या 6 का 1 नंबर होगा। फिर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहता है 7वां नंबर में दिया गया 8, 4, 6, 5। यहाँ पे जो चारों 1 डिजिट नंबर दिया गया है, उसमें तो एक हमारा सेकेंड डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर दिया था, तो हम छाट दें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैसे छाटेंगे, तो यहाँ पे छाटने का तरीका क्या है, देखिए तो गौर से, थोड़ा पानी प्यास लग गया है, आधा घंटा से पढ़ाने लगा था, वीडियो बना रहे हैं, तो 8, 4, 6, 5, तो यहाँ पे 1 डिजिट नंबर दिया है, तो देखिए तो 4, 6 और 8 हमारा सम संख्या है क्या, देखिए तो इवन नंबर दिया गया है, बट 5 इज हमारा क्या है, और नंबर है, तो ये हमारा 5 जो ऑप्शन है हमारा, मतलब 5 जो है चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा, ये ऑल दिस इज आर इवन नंबर, और बट 4 ऑप्शन नंबर इज ऑड नंबर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5, ठीक ना। तो चलिए हमारा जो था 7वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा समझिए, ठीक है ना। फिर 7वां हो गया हमारा, अब देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है। तो क्वेश्चन में देखे तो पहले ये हमारा एक त्रिभुज है, छाटना है हमें, ये भी हमारा त्रिभुज दिया गया है, ये भी हमारा क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, ये भी हमारा क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। देखने से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या होगा, लेकिन मेरा काम है समझाना और आपका काम क्या है, समझना। तो देखिए तो 1, 2, 3 में हमारा तीनों त्रिभुज है, लेकिन चौथा में हमारा क्या है सर, एक स्क्वायर दिया गया है, तो ये हमारा तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। फिर देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में, 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है, किताब लिखा हुआ है, गणित और विज्ञान सभी हिंदी में ही लिखे हुए हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है जो छाट देंगे,
सभी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें छांटना है तो छांटेंगे कैसे? देखिए तो हिंदी है, किताब है, गणित विज्ञान, कुछ समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है? यदि समझ में आया तो कमेंट में, लेकिन जितने भी अभी तक हम थोड़ा थोड़ा लेट कर दिए हैं, आप बाद में सुनिएगा इस बात को। यदि आपको पता है यदि क्वेश्चन का आंसर, जितने भी अभी तक क्वेश्चन बताए हैं सबका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया ना बोलने में, सॉरी। तो हिंदी किताब और गणित विज्ञान, देखिए सब पता चल गया आपको, कमेंट में आंसर जवाब दे दिया फटाफट। तो हिंदी किताब गणित विज्ञान, देखिए हिंदी एक हमारा क्या है, विषय है, गणित भी हमारा एक क्या है, विषय है, और विज्ञान भी हमारा एक क्या है, विषय है, जो हम क्लास करते हैं उसमें ये सब विषय है। लेकिन बुक, क्या बुक हमारा विषय है क्या? नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। इस तरह से हम जो है ना सभी को छांटने अभी सीख रहे हैं, अभी शुरू किए हैं, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है ना। दसवां नंबर क्वेश्चन है, एक मतलब ट्रेन, या मतलब ट्रेन का पिक्चर दिया गया था, लेकिन हम ट्रेन लिखे बस, बाइक और बैलगाड़ी, ऐसा दिया गया था क्वेश्चन में। तो ट्रेन दिया गया है, बस दिया गया है, बाइक दिया है, बैलगाड़ी, इसमें से छांटना है एक को, तो छांटेंगे कैसे? तो ट्रेन जो दिया गया है हमारा, ये तो हमारा कहाँ पर चलता है? पटरी पर चलता है। कहाँ पर चलता है? पटरी पर चलता है। लेकिन बस, बाइक एंड बैलगाड़ी, ये तीनों हमारे कहाँ चलते हैं? सड़क पे चलते हैं। तो ये तीनों तो हमारा सेम हो गया कैटेगरी का, लेकिन ट्रेन हमारा क्या होगा? उससे अलग हो गया इस तीनों से, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? ट्रेन होगा। तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्न किया किस पे? वर्गीकरण पे। कल भी हम लोग करेंगे, लेकिन कल तब करेंगे जब आप हमें क्वेश्चन जो बनाने देंगे कल, हम उस पर यदि डाउट होगा आपको तो वो भेजिएगा, उसी पर हम क्वेश्चन बनाएंगे भी। नहीं तो अपने से कोई क्वेश्चन लेंगे ही, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को तो देना है, कम से कम 5 लेक्चर तो हमें देना होगा आपको अच्छी तरह से समझने के लिए इस चीज को। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया रोल दिखाता है, रीजनिंग में प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा ना, उतना आप मतलब इस पे और ज्यादा मतलब बनते जाएगा। मतलब देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, लगेगा कि इस तरह से विधि से बनना था तो बन गया किसी और विधि से, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर वो सब 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 कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज हमको लगता है क्या कि एक मैथ पढ़ लिया हम लोगों ने, रीजनिंग में पढ़ लिया और हिंदी में पढ़ लिया। तो एक और वीडियो है जो हमारे क्या कहते हैं नवोदय के बारे में सिर्फ बताए गए हैं कि किस तरह से नवोदय में हम लोग एक्टिविटी वगैरह सब जो होता है ये सब के बारे में, और ये स्लाइडिंग वीडियो है जो स्लाइड वीडियो चल रही है और हम वहाँ पे बात मतलब टाक कर रहे हैं, तो इसे देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि वीडियो जो भी यदि आप ओपन करते हैं तो आप सभी वीडियो को देखिए, देखिएगा तब ना कुछ सीखिएगा, नहीं देखिएगा तो फिर नॉर्मल में आधा छोड़ दीजिएगा, आधा देखिएगा भगा भगा देखिएगा, तो समझने में फिर दिक्कत होगी आपको। नवोदय तैयारी करना है, किसी बड़ी संस्था में जाना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरह से हम मतलब, मैं भी एक छात्र हूँ नवोदय विद्यालय का, आप देखिए कि कैसे कोई विद्यार्थी जब उस स्कूल में जाता है तो कैसे वहाँ का जीवन शैली जिया जाता है। तो ये हमारा रहेगा, वीडियो भेजेंगे वो तो उसको देखिएगा। तो पहले तो ये तीनों वीडियो भेजेंगे, मैथ हिंदी और इंग्लिश का, इंग्लिश बोलते हैं रीजनिंग का, और हमारा जो वो जो वीडियो है उसको बाद में भेजेंगे करीब करीब 4 बजे। तो 4 बजे आप देखिए, एक शेड्यूल और है जो आपको बताएंगे जो वो शाम इवनिंग टाइम में रहेगा, जिससे मैं सैनिक के बारे में बोले थे कि उसके बारे में भी कुछ कुछ बताएंगे, तैयारी कराएंगे उसके बारे में। सैनिक विद्यालय में तो कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा सा जो है ना नवोदय से बहुत टफ थोड़ा सा सैनिक विद्यालय वाला, उसमें आपको जीके याद करना होगा, कुछ निबंध वगैरह में पढ़ना होगा, थोड़ा रीजनिंग आपको थोड़ा सा भाष्ट जाना होगा, ये नॉर्मल रीजनिंग तो आपको वहाँ पूछेगा नहीं। तो हमने भी एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का 2012 में, लेकिन वहाँ पे कुछ हम लोग मतलब प्रैक्टिस तो पूरा बढ़िया प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन हम लोग मिस्टेक था क्या, हम लोग में जैसे जो हमारे दर्पण प्रतिबिंब और जो पानी वाला जो था सवाल वाटर वाला, ये सब हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कभी, तो उस साल उसको जनरेट किया था, हम लोग पढ़े नहीं थे तो हम लोग वहाँ पे जाके बना नहीं सके थे, ये हमारा था डिमेरिट। यदि नहीं होता था मतलब जानते तो शायद वहाँ पे रहते सैनिक विद्यालय में पढ़े होते, लेकिन चलिए नवोदय में पढ़े, बहुत अच्छी संस्थान है, आप भी नवोदय में जाइए, लेकिन उससे और बेटर 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 स्कूल है जहाँ पे आप तैयारी करके जा सकते हैं। तो इवनिंग टाइम में जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और सुमंतला विद्यालय के लिए तैयारी के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करके कहिए कि सर हम जुटेंगे इस ग्रुप में। एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए, यहाँ तो पढ़ाए तो 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे आप, लेकिन ग्रुप में जब आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जब बनाने मिलेगा तो आपका प्रैक्टिस होगा, हैबिट होगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए बनाने में। तो आप वहाँ पे जुड़िए व्हाट्सएप पे और हमें अपना सेवा दीजिए और हम आपको अपना सेवा देंगे। तो चलिए
आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। तो जो भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होता जनरली ये है कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना तो वो आपके पास मतलब चला जाता है, ऐसे नहीं तो आप सर्च कीजिएगा खोजिएगा तब मेरा वीडियो मिलेगा। बट यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन एकदम जाएगा, जिस समय मैं अपलोड करूंगा वीडियो उस समय आपको मिलेगा वीडियो सबसे पहले। जैसे 7 बजे अपलोड करते हैं ना वीडियो, 7 बजे आपको मोबाइल पर एकदम नोटिफिकेशन आएगा, सर सुमित चौधरी का एक वीडियो आ गया, चलिए पढ़ते हैं। चलिए इतना है आज के वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।